हे गाइस, तो 5 मिनट्स कुकिंग विद निशा में आज हम लोग एग बिरयानी बनाएंगे। हम बनाएंगे बिरयानी, वो भी एग से और फटाफट। कैसे बनाते हैं तो सामान देख लीजिए क्या क्या है। तो ये मैंने चावल उबाल लिए हैं और थोड़े से स्पाइसेस डाल के ये उबाल लिए हैं मैंने चावल, बासमती चावल हैं ये। और ये मैंने एग भी उबाल लिए हैं और बाकी ये टमाटर मैंने काट लिया है, फाइन चॉप किया है, पुदीना है, धनिया है और हरी मिर्ची है, ये दही है और ये अदरक लहसुन, और ये प्याज भी मैंने बहुत पतला पतला काट लिया है, और ये कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, तो ये जो है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये जावित्री और लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें, और ये मसाला भी बहुत ज़रूरी है, तो ये है नमक और ये है बिरयानी मसाला, ये मैं खुद बनाती हूँ, और ये गरम मसाला है और ये रेड चिली पाउडर है और ये धनिया और ये हल्दी। तो हम जल्दी से बता देते हैं आपको फटाफट अंडे की बिरयानी कैसे तैयार होती है। आइए, तो ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें लगभग 150 ग्राम तेल डाल दिया है और ये जो मैंने प्याज काटे थे इसमें से मैं आधे प्याज इसमें डाल दूंगी। प्याज हम तलते हैं, ये थोड़ी हाई फ्लेम पे तलते हैं तो ये जल्दी से हो जाए ब्राउन, तब तक इसे, और जब ब्राउन हम करते हैं तो एकदम से ब्राउन नहीं करते क्योंकि बाहर निकालते निकालते ये और काली हो जाती है, इसलिए हल्की सी जब ब्राउन होने लगे तो थोड़ी देर और चलाएं और बस इसे बाहर निकाल लें। तो ये हो गई है प्याज, अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। कर लिया है अपना ऑयल से और अब हम इसमें एग डालेंगे और एग को ना हमेशा थोड़ा सा ऐसे कट कर लेंगे तो दो इसके फायदे होते हैं, एक तो इसमें मसाला अंदर तक हो जाता है पोर और दूसरे चिटकता नहीं है तेल में जाके, जो अंडा एकदम से फटता है तो वो भी नहीं होता। इस तरह हम सारे एग अपने हल्के से कट कर लेंगे चाकू से ऐसे ही। दिए हैं और इसी टाइम इसमें थोड़ा सा हम ये डाल देंगे हल्दी, तो इससे दो काम होते हैं कि हल्दी भी अच्छे से पक जाती है और अंडों में भी कलर आ जाता है। ये मैंने डाल दी है हल्दी, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है अंडों पे। तो हमारे अंडे जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए निकाल देते हैं सारे अंडे बाहर। तो ये जो है हल्दी पड़ी हुई है तेल में, अब इसमें डाल देंगे प्याज। ये डाल दूंगी मैं थोड़े से स्पाइसेस, ये अच्छे से दो प्याज जो है हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची, और डालूंगी अदरक लहसुन। और मैं इसमें डालूंगी ये बिरयानी मसाला, गरम मसाला और ये सौंफ जीरे का पाउडर है और थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक।
थोड़ा डालूंगी दही, और जब दही डालूंगी तो गैस का फ्लेम जो है वो कम कर दूंगी। और इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए मसाला भून गया है बहुत अच्छे से। और अब इसमें डाल देंगे हम ये धनिया और पुदीना। बस अब इसको भूनना तो है नहीं, दोनों चीजों को मिलाएंगे अच्छे से। और इसमें डाल देंगे हमने जो चावल रखे थे उबाल के, और इसमें मैंने उबालते टाइम हरी मिर्ची और थोड़ा सा तेज पत्ता और जीरा और थोड़ा सा ये हरी मिर्चा वगैरह ये सब डाल दी थी, तो इनका कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है। और ये अच्छे से उबल गए थे तो अब डाल देंगे इसको भी। बिरयानी का तो नाम सुनते ही बस अच्छा सा लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा सा खाने को मिलेगा। तो और ये अंडे की बिरयानी जो होती है वो फटाफट से तैयार हो जाती है। अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसमें रख देंगे हम अंडे। और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल सिम रखेंगे हम, और ये ऊपर से जो हमने प्याज तल के रखा था ये डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें ऊपर से खुशबू के लिए केवड़ा डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है तो, और नहीं भी डाल सकते। तो आप जो है जो आपको जैसा पसंद हो। और ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको तो 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी बिल्कुल सिम आंच पर। 5 मिनट के बाद देखते हैं इसको। 5 से 7 मिनट इसको हो गए हैं ये देखिए, और अच्छे से हमारी बिरयानी दम पे लग गई है ये देखिए, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। और ये बन के तैयार है एकदम। मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बता देती हूँ। और ये झटपट तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाइस तैयार है हमारी आज की डिश एग बिरयानी, और झटपट बनाइए और बताइएगा मुझे कैसी लगी। तो मेरी सारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है घर पर ट्राई ज़रूर करिए, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी जो वीडियो नेक्स्ट आए तो आपको पता चल जाए। और आज की डिशेस ये है तो आप बनाइए बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके थैंक यू। सो गाइस ये थी हमारी आज की रेसिपी एग बिरयानी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।